नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स की, एक ऐसे पोषक तत्व की जिसकी कमी से स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं उनके काउंट कम होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो प्रभावित हो जाता है, इसके अलावा जो हमारी आई साइट है ये कमज़ोर हो जाती है, बाल जो है असमय झड़ने लगते हैं, स्किन पे रैसेस आ जाते हैं, स्किन का पीलापन हो जाता है, हाथों और पैरों में काफ़ी अकड़न आती है, इसके अलावा हाथ पैर पे झंझनाहट आ जाती है, शरीर हमारा जो है एकदम से कमज़ोर होता है और इम्यूनिटी सिस्टम जो है एकदम ही वीक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपने आप को फिट करने के लिए बराबर अपने भोज्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स इत्यादि को शामिल करते हैं। यदि इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर पे अनेकों लक्षण दिखाई देते हैं। इंटरनली हम काफ़ी वीक हो जाते हैं, हमारा शरीर जो है अनेकों समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 क्या है, इसकी कमी से, इसकी डिफिशेंसी से कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और इसकी कमी को कैसे पूरा करें, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है विटामिन B12 का, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को स्किप करके न देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करना ना भूलिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विटामिन B12 जो है एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो कि हमारे दिल से लेकर दिमाग तक के हर एक अंग को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को चुस्त दुरुस्त रखता है, इसके अलावा हमारा जो नज़र, आई साइट जो है वो जो वीक हो जाता है उसको भी ये सही करने में काफ़ी कारगर होता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स काउंट जो हैं उनको इनक्रीज करता है विटामिन B12। तो विटामिन B12 ये एंटी एजिंग होता है, एंटी स्ट्रेस होता है, थकान और किसी भी तरह के स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी कारगर होता है। इसको कह सकते हैं ब्रेन डैमेज से रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ होते हैं उनसे रिलेटेड, या अल्जाइमर की जो समस्या होती है उसमें ये काफ़ी फ़ायदेमंद न्यूट्रिएंट्स साबित होता है। दोस्तों, विटामिन B12 के अच्छे स्रोत की यदि हम बात करें तो मांसाहारी खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे कि चिकन हुआ, अंडा हुआ, मछली हुआ, ये विटामिन B12 के काफ़ी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। यदि शाकाहारी लोगों के लिए हम बात करें तो सोयाबीन हुआ, मशरूम हुआ, टोफू हुआ, पनीर हुआ, दही हुआ, ये जो प्रोडक्ट होते हैं, ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं, ये इसमें भी विटामिन B12 पाए जाते हैं। इनका आप डेली इस्तेमाल करके विटामिन B12 की कमी को पूरी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम खासकर आपके लिए लाए हैं एक ऐसे फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट के बारे में जो कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल से विटामिन B12 की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है ये एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको कि AWPL के नाम से जानी जाती है, इस कंपनी का एक फूड सप्लीमेंट कैप्सूल है और 60 कैप्सूल का ये प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को यदि आप मंगाना चाहते हैं तो www.asclepiuswellness.com की वेबसाइट पर जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट का MRP प्राइस जो है 629 रुपये है और ये काफ़ी अच्छा एक विकल्प है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि AWPL कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो आप इस फूड सप्लीमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं विटामिन B12 की कमी को पूरी करने के लिए। दोस्तों, विटामिन B12 के इस प्रोडक्ट को 2 कैप्सूल आपको डेली लेने हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपने आज की वीडियो में जाना कि विटामिन B12 क्या होता है, इसकी डिफिशेंसी से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकते हैं और इसके कौन कौन से लक्षण हैं यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो। इसके अलावा बेस्ट फूड सप्लीमेंट की भी मैंने जानकारी दी कि इस कंपनी का आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है इसकी कमी को दूर करने के लिए। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से इसी तरह के नए वीडियो और नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। धन्यवाद।